इंटेंसिटी को बढ़ाओ और बढ़ाओ हाई इंटेंसिटी बढ़ाओ 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 गुड गुड और फास्ट चल फास्ट फास्ट चले तो फास्ट और लाओ और फास्ट ये रोल करो ये रोल करो ये रोल बॉडी को लीन करके फ्रंट शोल्डर लेना बॉल की लाइन में बॉल की लाइन में फ्रंट शोल्डर बॉल की लाइन में मेरे साथ सौरभ जो मेरे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कच्चा प्लेयर जो वन ऑन वन ट्रेनिंग मेरे साथ ही करता है पर्सनल ट्रेनिंग का मेरा एक स्टूडेंट है सौरभ और अच्छा कर रहा है अभी आजकल बैटिंग एक्चुअली आज हम लोगों ने सौरभ के साथ एक ड्रिल किया अभी कट शॉट को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली में होता क्या था सौरभ अभी जैसे कट शॉट खेल रहा कट शॉट खेलते खेलने के टाइम टेक्निक भी अच्छा है सब कुछ अच्छा आ रहा लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा रिएक्शन टाइम में प्रॉब्लम हो रहा रिएक्ट नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होता है अभी क्या जैसे 125 से ये ऊपर की बॉल जैसे ही सौरभ को मिल रहा प्रॉपर जा रहा और उस पर बीट हो रहा क्योंकि ये लेट रिएक्ट कर रहा बॉल पहले निकल जा रही है तो उस टाइम टेक्निक भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका टेक्निक भी अच्छा लेकर आपका शोल्डर भी जा रहा है सब कुछ जा रहा है लेकिन आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव नहीं है कट शॉट के लिए 130, 135 या 140 के बॉलर पर मारना होगा तो और ज़्यादा रिएक्शन टाइम आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा तो इसके लिए ये ड्रिल्स था ये ड्रिल्स में आप देखे होंगे मैं और सौरभ के साथ में बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस से मैं बॉल डाल रहा था और इसलिए डिस्टेंस इसका कम रखा हुआ था क्योंकि बॉल जल्दी जल्दी जो है जितने जल्दी जल्दी सौरभ के पास जाएगा उतना वो क्विक रिस्पांस करेगा और अपनी बॉडी को बार बार रोटेट करेगा बार बार लेकर आएगा कट शॉट के लिए प्रिपेयर करेगा उससे जितना जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ इस ड्रिल को करेगा इससे इसका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और बॉडी बराबर चलने लगेगा जब नेचुरली प्रॉपर ड्रिल्स पे जो ओवरआर्म है या नेट्स पे या मैच में जब ये करेगा तो प्रॉपर बॉडी इसका चलेगा तो इसके मसल्स मेमोरी को एक्टिव करने के लिए मसल्स मेमोरी को डेवलप करने के लिए और रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करने के लिए ये ड्रिल्स हम लोगों ने किया है तो इससे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ इसका टेक्निकली मैं बता दूं क्या इम्प्रूव होगा इसका क्योंकि इसका जैसे ही बॉडी आएगा फास्ट कर रहा है हिप और शोल्डर का सेपरेशन अच्छा हो रहा है क्विक हो रहा है ठीक है और बॉडी जा रही है आगे की तरफ और जैसे ये बैट के खेल रहा कट शॉट के लिए वो फटक से अपना फॉलो थ्रू भी कम्प्लीट हो रहा तो फॉलो थ्रू जब भी कम्प्लीट अच्छा होगा जब आपके हिप और शोल्डर सेपरेट अच्छे होंगे कट शॉट के दौरान तो इसमें ऑलरेडी सब पे काम चल रहा है इसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे इसका बॉल और आइज के साथ जो कोऑर्डिनेशन है जो प्रॉपर इसका बॉल के साथ बॉल पर नज़र बना रहा है उस वो भी इम्प्रूव है जिससे हम कंसंट्रेशन लेवल भी बोल सकते हैं कंसंट्रेट हो रहा है दूसरा अपना ये माइंड सेट पर भी इसके काम हो ही रहा है और रिएक्शन टाइम तो इसमें मेन ड्रिल्स था तो ये दो चार चीज़ें और मैं इसमें आप लोगों को बता दिया तो वो भी आप इसमें इम्प्रूव कर रहा प्लेयर तो ड्रिल्स ऐसे ही करो जो इफ़ेक्टिव हो और प्रोग्रेसिव कैसे बनाना है ये भी मैं आपको कभी नेक्स्ट ड्रिल में और बताऊंगा कि ड्रिल्स को और प्रोग्रेसिव कैसे बनाया गया वन बाई वन स्टेप ड्रिल्स को प्रोग्रेसिव बनाते हैं अदरवाइज जैसे देख कर आप करने लगते हो कई बार गलतियाँ कर देते हो तो फिर वो ड्रिल्स का मायने मतलब ख़त्म हो जाता है तो आप बोलते हो इस ड्रिल्स में इम्प्रूव नहीं हो रहा अभी या कुछ नहीं हो रहा ड्रिल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको ड्रिल्स को प्रोग्रेसिव बनाना आना चाहिए कब क्या चीज़ की ज़रूरत है जैसे आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो उसका एक कोर्स होता है कि आज 3 दिन ये दवा चलेगा 4 दिन वो दवा चलेगा अगले हफ्ते ये दवा चेंज हो जाएगा सेम वही ड्रिल्स में भी है कब हमें 100 बोले किस पे फीट कराना है फिर 100 बोले किस बॉडी का सेटअप किस कहाँ पे बना के फीट कराना है 200 बोल कहाँ फीट कराना वो मैं वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ सेंटर में 4 से 5 घंटा मैं डेली काम करता हूँ तो उसमें ये चीज़ें मैं करा पाता हूँ तो इतना मैं आप लोगों को बता दिया ताकि आप इतना भी अगर करते हो तो 100% में से आप 20-25 या 30% भी इम्प्रूव कर सकते हो इन न्यू ड्रिल्स के साथ थैंक यू भाई।